माँ बागेश्वरी धाम सगोर भगोर से हजारों शिव भक्तों के साथ भव्य आस्था यात्रा का आगाज हुआ। सचिन यादव और अरुण यादव के साथ हजारों शिव भक्त यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें, महिष्मती सेवा न्यास के तत्वावधान में माँ बागेश्वरी धाम सगोर भगोर से प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव द्वारा सुबह 8 बजे माँ बागेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर 6 दिवसीय आस्था यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान भोलेनाथ की भक्ति से ओतप्रोत लगभग 92 किलोमीटर से अधिक की ये पदयात्रा कसरावद विधानसभा क्षेत्र के 37 गांव से होती हुई नर्मदा किनारे भुईंदा कठोरा में 11 शिवलिंग महादेव आश्रम पर 7 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। इस आस्था यात्रा में पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव भी पूरे समय आस्था यात्रा के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए, बाबा भोलेनाथ का ये श्रावण मास है जिसमें हम शिव भक्त तमाम ज़िले से यहाँ आज आए हैं और बागेश्वरी धाम से ये यात्रा आज प्रारंभ होगी और 6 दिन तक ये यात्रा यहाँ से चलकर इसकी समाप्ति कठोरा में होगी। हम बाबा भोलेनाथ से सारे भक्तजन जो आए हैं, जन कल्याण लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा ये क्षेत्र, निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, प्रदेश देश प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो, भाईचारा कायम रहे आपस में। और बाबा भोलेनाथ से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, उन फासिस्टवादी ताकतों को नष्ट करने में भगवान हमें संबल प्रदान करे, शक्ति दे और ये देश में पुनः एक भाईचारा कायम करने में हम सफल हों। यही सारे भक्तजन आज बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। भैया, हरियाणा के नूह में जिस तरह से हिंसा फैलती है, रात को फिर गुरुग्राम और पलवल तक भी वो हिंसा फैलता है, क्या करेंगे? अभी मैंने कहा आपसे कि जो देश की फासिस्टवादी ताकतें हैं उनसे मुकाबला करने के लिए भुनेदन हमको शक्ति दे। देखिए, भगवान भोले के भक्तों के साथ प्रतिवर्ष हम लोग महिष्मती सेवा न्यास के बैनर के तले हमें विगत कई वर्षों से हम ये कांवड़ यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं और आज एक विशेष उद्देश्य के साथ में हमारा बेहतर कल हो, प्रकृति का संवर्धन हो, संरक्षण हो, इस मुख्य उद्देश्य को लेकर के हमने इस यात्रा का आयोजन रखा है। और साथ ही साथ हम सभी साथी भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं, ये कृपा करते हैं कि देश हमारा उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, हमारा देश का किसान, हमारा देश का नौजवान लगातार आगे बढ़ता रहे, खुशहाल हो, समृद्धशाली हो। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम ये कांवड़ यात्रा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले, इसमें ऐसी यात्रा निकल रही उसको चर्चा का विषय बना हुआ विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये इसको राजनीति से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये यात्रा हम लोग कई वर्षों से निकाल रहे हैं और ये हमारे सभी जो शिव भक्त हैं, इस शिव भक्तों के साथ हम लोग इस तरह का आयोजन लगातार हम लोग करते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा बेहतर कल हो, हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक हम सब की नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि हम एक बेहतर प्रकृति, एक बेहतर पर्यावरण हमारे नौजवानों को हम दे करके, जो हमारे कल का जो भविष्य है उनको हम लोग एक स्वस्थ प्रकृति दे करके जाएं। और इसी उद्देश्य को साथ में रखते हुए हम लोगों ने प्रत्येक गांव से, जिस गांव से हमारी यात्रा गुजरने वाली है, वहां पर एक त्रिवेणी लगाने का संकल्प सभी हमारे शिव भक्त साथियों ने लिया है।